अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैंने सुसाइड करने का एक मकसद, इसके आज डायवरी फादरस तनखा बंद और सान लाइफ से यीज बत्तर बनने में इसकी कहत चन पुछ से जू जान तिमन खतर कुर्बान करन तिमन सारने टीचरन खतर ये मुंकस डायो वरियो पेट महरूम से मित तनखा निश्ता वह सब ये जो दिवन अमी दव तिहन मसल ग हल ना कि मे फादर सी बल्कि तमाम यम बिचार प्रारण चाहे कुन तो डिपार्टमेंट कि तम कर तम यी बिचार मसल हल कर बाक मे कह मकसद और बहुत पे गिक वन जो हाल ही में कुलगाम के एक बच्चे ने सुसाइड किया, अभी तक कोई ऑफिशियल की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर प्रेस रिलीज आए हैं तो वो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से। हालांकि उसके बच्चों, जो कल एक बच्ची ने वीडियो दिया, विद इन 48 आवर्स कमेटी बिठाई गई और रेस्पॉन्स बिल्कुल ही आया है, इस बच्चे पर क्यों? बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है कि जिस तरह से एल मोहतरम एल जी साहब ने कल जो वायरल हुआ इस बच्चे का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि किताबों का बोझ, ऑनलाइन क्लासेस का बोझ, और विद इन 24 आवर्स एलजी साहब ने उस पर, हम उसका खैर मकदम करते हैं क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अंदर ही उस बात को सुना गया। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा था जिसने खुदकुशी की और उसने किन हालातों में खुदकुशी की, उसके पास पैसा नहीं था उसको पालने के लिए, 2.5 साल से बगैर किसी कसूर के उनकी सैलरी बंद है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से एलजी साहब ने उस बच्ची का वीडियो देखकर उस पर तुरंत एक्शन की, हमारा यही मान और हमारी यही डिमांड है कि अगर एलजी साहब ने उस मामले पर किया तो इस पर क्यों नहीं किया। हम चाहते हैं कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस तेज़ रफ्तार से उस वीडियो पे अमल की गई, उस तेज़ी के साथ इस पे अमल किया जाए और जितने भी ये उसातिज़ा साहिबान ने उनकी सैलरीज को रिलीज़ किया जाए। और हमारा दूसरा एक मुतालबा है, और जो लोग, जो भी अफसरान इसमें मुलव्वस है, उनको कैफ़र करदा तक पहुँचाया जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो हाल ही में कुलगाम के स्टूडेंट ने सुसाइड किया, उस पर विद इन 24 अभी तक कोई भी रद्द अमल नहीं आया एल जी की तरफ से, और उसके बाद एक वीडियो आया उस पर 24 घंटे में कमेटी बिठाई गई, क्या कुछ लगता है आपको कि क्यों नहीं इस सुसाइड की वजह से एल जी साहब की तरफ से अभी तक एक भी रस्पॉन्स आया? देखिए, ये जो हमने आज प्रोटेस्ट किया, हम प्रोटेस्ट पर बैठे, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि हम भी महसूस करते हैं कि एक कत्ल हुआ, एक बच्चे ने खुदकशी की, एक बच्चे ने अपनी जान दी, और उसमें उसने वजूहत यह बताई कि मेरे बाप जो एक टीचर है प्रोफेशन से, उस वो 28 महीनों से बल्कि उसकी तनख्वाह वागुजार नहीं हुई, उसने जान दे दी। एक बच्ची जो हमारी अजीज़ बच्ची है, मासूम बच्ची है, वो उसने वीडियो किया कि मुझ पर लोड है, उस पर जल्द रिएक्शन हुई। इसी वजह से तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे, यही हम कन्वे करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो जिंदा ज़मीर लोग हैं उन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, एक बच्चे ने अगर खुदकुशी की, उसके बाप से आप बेगार ले रहे हैं, बगैर तनख्वाह उससे काम ले रहे हैं, अगर आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको तनख्वाह दें, तो आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप उसे बेगार ले लें और 24 महीनों से वो काम करता है, हर किस्म की ड्यूटी करता है। तो इसी वजह से तो हम प्रोटेस्ट पर बैठे ताकि आपके ज़रिए उन ऐवानों तक बात पहुँचे, हमारे कंसर्न और हमारे अप्रिहेंशन जो हैं, स्ट्रांग कंसर्न हम इस पर ये एक्सप्रेस करते हैं कि एल जी एडमिनिस्ट्रेशन को और एल जी साहब को और उनकी सारी स्टेशन को नोट लेना चाहिए था इस मामले को, जो कुलगाम में हादसा हुआ उस पर उसी वक्त कमेटी बननी चाहिए थी। हमारा मुतालबा है फटाफट उस पर कमेटी बननी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। दूसरा, जो जिन इकराम की तनख्वाहें बंद हैं और ट्रांजिशन ऑर्डर्स बंद हैं, वो भी वागुजार होने चाहिए। इसी वजह से हम प्रोटेस्ट करें। एजेंसीज ने इनको क्लियर किया और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप देखना चाहें। उसके बाद